जय श्री राधे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बड़ा हर्षोल्लास, खुशी, प्रसन्नता का त्यौहार है। इसको आप बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। और आज मैं एक मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ। इस मैसेज पे, इस सूचना पे, इन शब्दों पे मुझे उम्मीद है आप लोग गौर करेंगे। जिस तरह का कि इस समय देश में माहौल चल रहा है, आप सभी अपने त्योहार पर घर के लिए जिस तरह से मिष्ठान आदि अनन्य खाद्य सामग्रियां, साज सज्जा की बहुत सारी सामग्रियां लेके आते हैं, तो उस तरह से एक औजार या हथियार भी अवश्य लेके आए। आप प्रतिरोज इस बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, देश में किस तरह का माहौल है। हमारा सनातन धर्म किस ओर जा रहा है, ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी स्वयं की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने देश की रक्षा और स्वयं धर्म की रक्षा करने का बीड़ा प्रत्येक मनुष्य उठाए। इसमें आप सभी सहयोग करें और सहयोग का सर्वप्रथम तरीका एक ही है कि अपने पास जिस त्योहार पे भी आप घर के लिए अनन्य सामग्रियां लेके आते हो, भोज्य पदार्थ, साज सज्जा की सामग्री, और लेकिन जो जरूरी है एक हथियार जरूर लेके आए और अपने बच्चों को हथियार चलाना भी सिखाए। ये बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। देखिए, जैसे कहा भी गया है, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं ये दीपों का त्योहार है। और भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चक्रदन्त्याम् शोषयति मारुतः, कि ये आत्मा ना तो किसी शस्त्र से कटती है, ना जल से जलाई जाती है और ना पानी से गलाई जाती है और ना वायु से इसका शोषण यानी शोषित होती है। तो ये आत्म ज्योति को भी प्रज्वलित करें साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, परमात्मा के ध्यान मनन के द्वारा। लेकिन मेरा एक ही ये आपको मैसेज है कि इस दीपों के त्योहार पर आप सभी अपने मन को एकाग्र करके मन में एक मैसेज ये धारणा बना लें कि हमें एक हथियार घर में जरूर ले जाना, अपने पास रखना है, अपने रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और अपने बच्चों को इसे चलाना भी सिखाना है। सो हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। जय श्री राधे श्याम।